हेलो गाइस, ब्लू माया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आज आप लोगों को एक एटीएम कैश रिफिलिंग काम के बारे में आप लोगों को बताएंगे, मैं शेयर करेंगे गाइस आप लोगों को। गाइस पहले बताएं कि एटीएम कैश रिफिलिंग का जो वैकेंसी का जो लोकेशन है वो आपका आसाम, त्रिपुरा, बिहार, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, वेस्ट बंगाल, ये कम से कम 6-7 लोकेशन में इसका काम होने वाला है। एटीएम कैश रिफिलिंग में इसमें ज्वाइनिंग आपको किस तरह होगा, इस काम के लिए आपको क्या टर्म्स कंडीशन जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, मैं पूरा का पूरा डिटेल्स आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे, मैं शेयर करें आप लोग को। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो में आप लोग को पूरा का पूरा नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बताएं गाइस कि इस एटीएम कैश रिफिलिंग एग्जीक्यूटिव कंपनी में, एक एटीएम कैश रिफिलिंग कंपनी में काम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिनिमम क्लास 10 पास होना चाहिए, मिनिमम क्लास 10 पास होना चाहिए, और एज 18 से लेके 32 के अंदर कोई भी बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसका जो लोकेशन है गाइस आसाम में होगा आपका, आसाम लोकेशन में आपका, बिहार में होगा, त्रिपुरा में होगा, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, ये सब कई सारे लोकेशन में इसका वैकेंसी चल रहा है। जो आसाम आसाम गुवाहाटी आपका बेंगलोर मुंबई चेन्नई, और उसके बाद आपका वेस्ट मुंबई चेन्नई, और उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल कलकत्ता, उसके बाद आपका बिहार, बहुत सारा जगह में इसका वैकेंसी चल रहा है गाइस। एटीएम कैश रिफिलिंग में एटीएम का काम जो होता है गाइस वो आपका बैंक से पैसा लेके बैंक से जितना मनी दिया जाएगा, आपका जो एटीएम का जो कार रहता है, एटीएम का जो व्हीकल्स रहता है, जो गाड़ी रहता है, एटीएम का गाड़ी में जाके आपको एटीएम में जाके कैश डिपोजिट करना पड़ेगा, ये आपका काम है। कोई भी बंदा अगर फ्रेशर है, जो काम जिसको नहीं आता है उसका काम क्या रहेगा, वो सिर्फ जो उसका साथ जो सीनियर रहेगा, सीनियर को सिर्फ देखेगा कि किस तरह एटीएम को ओपन कर रहा है, किस तरह उसको ऑपरेटिंग कर रहा है, किस तरह उसको कंट्रोलाइज कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बंदा काम के लिए पहले ओजीटी में रहेगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग में रहेगा, मतलब आपका ट्रेनिंग भी हो रहा है साथ ही साथ आपको सैलरी भी कंपनी की तरफ से आपको दिया जाता है। तो आपको पहले ओजीटी में रखेगा कंपनी, आपका ट्रेनिंग भी हो रहा है, ट्रेनिंग के दौरान कंपनी आपको सैलरी भी कंपनी पे कर रहा है। तो आपका जो काम रहेगा बेसिकली वो बैंक से पैसा लेके आपको एटीएम का गाड़ी में जाके आपको सिर्फ एटीएम में कैश आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। कैसे एटीएम को ऑपरेटिंग किया जाएगा, कैसे ओपनिंग किया जाएगा, किस तरह से कंट्रोलाइज किया जाएगा, ये आपका काम रहेगा। इसको बोलता है एटीएम कैश रिफिलिंग का काम है। तो इस काम के लिए मैक्सिमम एज है 32 के अंदर होना चाहिए। लोकेशन गाइज आप लोगों को मैं बोल ही दिया हूँ। तो इसमें गाइज जो सैलरी होता है, जो बेंगलोर मुंबई हैदराबाद चेन्नई का जो लोकेशन है, इस लोकेशन में सैलरी होगा मिनिमम 11,000, मिनिमम सैलरी होगा 11,000। बाकी जो लोकेशन है आसाम, त्रिपुरा, बिहार, वेस्ट बंगाल, इस लोकेशन में सैलरी होगा आपका पीएफएसआई काट के 9,784 रुपया, ये पीएफएसआई काट के। पर डे आपको 2 घंटा करके ओटी करना पड़ेगा, हर पर डे आपको 2 घंटा करके ओटी करना पड़ेगा। ओटी के लिए कंपनी आपको 1 घंटा का देगा 30 रुपया, 2 घंटा कीजिएगा आपको देगा कंपनी 60 रुपया, वो सैलरी छोड़ के, सैलरी अलग है। तो ओटी मिला के आप हर महीने में 11-12 तक आप आराम से कमा सकते हैं। ड्यूटी जो नॉर्मली होता है वो 8 घंटे का ड्यूटी होता है, आपको हफ्ते में करके छुट्टी भी मिलेगा। जो बंदा ओटी करा मतलब क्या, ओटी आपको करना पड़ेगा, अगर गाड़ी में एक्स्ट्रा पैसा रह गया तो आपको वाला पैसा या एटीएम में जाके जमा करना पड़ेगा, डिपोजिट आपको करना पड़ेगा। इसके लिए जो आपका टाइम के बाद काम होगा उसके लिए कंपनी आपको अलग से सैलरी पे करेगा, अलग से एक्स्ट्रा पैसा आपको कंपनी पे करेगा। तो गाइस आपको ये बात मैं बताता हूँ कि इस काम के लिए ज्वाइनिंग का जो होता है, जो टर्म्स कंडीशन होता है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में है। बाकी जितना लोकेशन आपको बोला है उसमें से कलकत्ता, बिहार, आसाम, ये सब जगह में इंस्टेंट ज्वाइनिंग हो जाता है 2 हफ्ते के अंदर। बाकी जो है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन रहता है, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज रहता है, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए। तो गाइस अगर आप लोग इस एटीएम कैश रिफिलिंग काम में अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जो दिया हुआ नंबर है आप नंबर में जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या प्रोसेस है, आपको कहाँ आना पड़ेगा, सब कुछ बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।